द पावर इज इन यू शी एक्स थ्री हाई माई सुपर हैप्पी एंड एनर्जेटिक फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शी एक्स थ्री आज मैं आपको कुछ डिजायर्स अटैचमेंट्स माइंड से जो अटैचमेंट होती है अपनी उस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारी औरतों को अलग अलग अटैचमेंट्स होती हैं। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे शी एक स्त्री के बारे में बता रही हूँ, इसलिए हमेशा एक स्त्री को ही बताना चाहूँगी सब कुछ। ऑफकोर्स इसमें से मेल्स भी होते हैं जो अटैच होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी प्रतिशत औरतें होती हैं जो काफ़ी चीज़ों से अटैच हो जाती है और अपने मंजिल को या अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आज ये सब सुनिए और फिर देखिए कि किस तरह से हम हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि खुश नहीं रहेंगे तो घर में खुशियाँ नहीं रहेगी, हम खुश रहेंगे तो पूरा घर हंसते रहेगा, खुश रहेगा। इसीलिए अपने माइंड को बहुत सारे चीज़ों से अटैचमेंट मत रखिए, जहाँ नहीं होता है वहाँ से हमें डिटैच होना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स देते हुए मैं आपको आज माइंड डिज़ायर्स माइंड अटैचमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। समबडी सो अटैच टू इस प्रेस्टीज क्यों हर पॉलिटिकल के पीछे, जहाँ पे भी पॉलिटिकल लीडर्स अपने लेक्चर्स देते हैं वहाँ वहाँ भागते जाते हैं, हर लेक्चर्स को अटेंड करते हैं अपनी पोस्ट को हासिल करने के लिए। तो ये होती है उनके अटैचमेंट अपने प्रेस्टीज के लिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, दे वॉन्ट सो मच ऑफ मनी दैट दे स्टार्ट डूइंग ब्राइब फॉर दिस मनी, दैट इज देयर अटैचमेंट टुवर्ड्स द मनी। पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे, गर्लफ्रेंड के ऊपर पूरा पैसा नौछार कर देते हैं बिकॉज ही इज अटैच टू हिज गर्लफ्रेंड सो मच, जितना चाहिए उतना गर्लफ्रेंड के ऊपर वो खर्चा करते रहते हैं। एवरीबडीज अटैचमेंट इज डिफरेंट, एवरीबडीज अटैचमेंट टू हिज डिजायर इज डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजायर? दिस डिजायर कम्स फ्रॉम द अटैचमेंट। देखिए ना, किसी को जलेबी की बहुत अटैचमेंट होती है, जब भी कोई मीठा खाने को दिल करता है और घर में पूछा जाता है कि क्या मीठा मंगाया है, तो तुरंत आपको कहेगी चल भाई जलेबी मंगा लेते हैं, तो बोलेंगे नहीं यार हर बार जलेबी नहीं, गुलाब जामुन मंगाते। अरे तुम अपने लिए गुलाब जामुन मंगा लो, लेकिन मेरे लिए थोड़ी तो जलेबी मंगा ही लो। इसका मतलब है कि आपको उस जलेबी से अटैचमेंट होती है और अटैचमेंट की वजह से डिज़ायर होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक माँ है ना, अपने बेटे को बार बार कॉल करती रहती है, क्यों करती है? उसकी अटैचमेंट होती है, बार बार उसका दिल करता है कि मैं अपने बेटे को कॉल कर लूँ जब भी मौका मिले। अरे बेटे तूने खाना खाया? अरे बेटा तूने जल्दी उठने वाला है कल सुबह, तूने अलार्म लगा लिया? बेटा माँ से कहता है, माँ तुम बार बार मुझे कॉल क्यों करती हो? माँ कहती है, बेटा याद आ रही है तुम्हारी? यही याद होती है अटैचमेंट। इसी अटैचमेंट से बार बार डिज़ायर होता है मन। माँ की कहानी सुनाती हूँ। दिवाली के समय एक माँ अपने बच्चे को लेके मेले में जाती है। कहानी वैसे आपको लगे कि मेले वाली ही है, हाँ मेले वाली ही कहानी है, जिस मेले में वो अपने बच्चे को खो देती है। रोते रोते वो पुलिस स्टेशन चली जाती हैं, वहाँ पे अपना FIR ये कर दर्ज करवा देती हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है आप घर जाइए, जैसे ही बच्चा मिल जाएगा आपको हम बुला लेते हैं। माँ चली जाती हैं, इंतज़ार करती रहती है अपने पुलिस के फ़ोन की। पुलिस का फ़ोन आ जाता है और पुलिस स्टेशन जैसे ही माँ पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं वो माँ से, इनमें से आपका कौन सा बच्चा है? तो माँ कहती है, नहीं नहीं इसमें से तो मेरा कोई बच्चा नहीं है।
पुलिस कहते हैं, अरे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इतने सुंदर बच्चे और इसमें से आपका कोई बच्चा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता। उठाइए कोई भी बच्चा आपका, उसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उससे गले लगाइए, उसे कितने प्यारे बच्चे हैं। माँ कहती है, नहीं इसमें से मेरा बच्चा कोई नहीं है। फिर आपका बच्चा तो कैसा है, पुलिस वाला पूछता है, कैसा है आपका बच्चा दिखने में। माँ कहती है, मेरा बच्चा बचपन से पोलियो हुआ हुआ एक पैर है उसका, उसकी नज़र तिरछी है, उसके पूरे गाल के ऊपर काले धब्बे हैं, ऐसा है मेरा बच्चा। उस बच्चे को ढूंढ लाइए आप, मुझे वही मेरा बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, मेरा इसमें से कोई भी बच्चा नहीं है। पुलिस वाला कहता है, अरे छोड़ दीजिए ना, इसमें से कोई भी बच्चा उठा लीजिए, इनकी भी माँ नहीं है, शायद इनको भी आपके जैसी माँ मिल जाएगी और आपको अपना बच्चा, ले लीजिए अपना कोई भी बच्चा इसमें से, उठाइए उसे, गले लगाइए, प्यार कीजिए उसे, उसे भी आपके प्यार की ज़रूरत है। माँ कहती है, नहीं मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए, कह दिया ना आपको, मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए। वॉट इज दिस, दिस इज एन अटैचमेंट विच डिजायर्स टू हैव हिज ओन किड। सो वॉट इज एन अटैचमेंट, वी थिंक दैट देर इज सम इंट्रेंसिक क्वालिटीज विच इज कॉजिंग डिजायर, दैट इज नॉट सो। अब एक जो बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेता है उसके बारे में जानते हैं। फिर जो अल्कोहल नहीं लेता उसे आप कहिए कि अल्कोहल का स्मेल लीजिए, अच्छा लगता है ना अल्कोहल का स्मेल, वो तुरंत कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो पीने वाला है वो कहेगा, मैं बार बार उस बार में जाऊँ, बहुत अच्छा फील करता हूँ। उसे कहिए आप कि मैं तुम्हें मस्त एकदम अच्छा स्वाद वाला दूध बना के देता हूँ, जिसमें केसर इलायची बादाम डाला हुआ दूध देता हूँ, क्या वो ड्रंकर्ड वो दूध पीना चाहेगा? नहीं। तो उसकी अटैचमेंट ड्रिंक्स की तरफ है, और जो ड्रिंक्स नहीं लेता है उसकी अटैचमेंट उस बादाम वाले दूध की तरफ होती है। तो दीज आर द डिज़ायर्स, जब उनकी अटैचमेंट होती है तो डिज़ायर करते हैं। द माइंड कैन बी अटैच टू ए ऑब्जेक्ट और ए पर्सन, दिस अटैचमेंट लीड्स टू डिज़ायर, देन कम्स ग्रीड और एन एंगर फ्रॉम द डिज़ायर। अगर अटैचमेंट को छोड़ोगे तो डिज़ायर नहीं होगा, डिज़ायर नहीं होगा तो ग्रीड नहीं होगा, एंगर नहीं होगा। देखिए ना, शुरू से हमने क्या देखा, प्रेस्टीज के लिए लीडर्स के पीछे, पॉलिटिक्स के पीछे भागते रहते हैं, ड्रंकर्ड जो है दारू के पीछे भागता रहता है, फिर माँ जो अपने अच्छे बच्चे रखे हुए हैं लेकिन फिर भी अपना ही बच्चा चाहिए, और एक माँ है जो अपने बच्चे से इतना प्यार मोहब्बत कर रही है, जो उस बच्चे को अपने माँ के एक कॉल के लिए ऐसे लगता है कि वो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस आप नहीं कर पाओगे। अटैचमेंट छोड़ोगे तो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे ग्रीड नहीं होगा, एंगर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। सोचिए ना इस माँ को जो अपने बच्चों को याद करते हुए फ़ोन कर रही है, और बच्चा कह रहा है, क्या माँ क्या माँ मैं बिज़ी हूँ, आप समझ नहीं पाती हो, बार बार कॉल करती हो आप समझिए, फिर माँ दुखी नहीं होगी, ये अटैचमेंट नहीं रहेगी। बस कुछ दिन पहले की ही मैं बात बताती हूँ, मेरी एक सहेली है जिनका पूरा कुटुंब है, वो चार भाई बहन है, इसमें ये बड़ी वाली जो बहन है उसे अपनी एक और एक बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। इन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है और दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, लेकिन ये जो बड़ी बहन है वो समझती नहीं है, उसको इतनी अटैचमेंट है उससे। बाकी जो भाई बहनें हैं उसके अपने खुद के भाई बहन हैं अलग, बाकी कजिन्स हैं वो अलग, सब उसे चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन से ही प्यार करती है, वो चाहती है कि मुझे यही बहन चाहिए, यही तो अटैचमेंट है, यही तो अटैचमेंट है। इस डिज़ायर को वो शायद छोटी बहन समझ पाती तो शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती,
लेकिन अगर ये बड़ी बहन अगर ये अटैचमेंट ही लेट गो कर दें, मूव ऑन कर दें, तो ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। लेट गो कर दीजिए इस अटैचमेंट को जो आपको कंटिन्यूसली सिर्फ स्ट्रेस देता है, और स्ट्रेस की वजह से आपकी रियली हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। अब उस डिजायर्स को अपने मन से निकाल दीजिए, कुछ अटैचमेंट्स को निकालिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, बस उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे वॉल्यूम कम करते हैं वैसे ट्राई कीजिए। शायद आज मेरा यह वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि यह सही कहा है मैंने। बहुत कुछ अटैचमेंट हम कर बैठते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं अपने आप से। उसे संभालिए जो आपके पास है, आगे बढ़िए लाइफ में। बहुत खुशियाँ आपका इंतज़ार करती हैं, लेकिन हमारी इस अटैचमेंट की वजह से शायद खुशियाँ हम खो देते हैं। आई एम श्योर गाइस, मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम एवरी मंथ एंड गिव सम गुड मोटिवेशंस टू यू ऑल। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस वंडरफुल डे। बी सेफ, बी हैप्पी।